आस्था के महापर्व छठ का शाम को अर्घ दिया गया। जी हाँ, ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए जहां तमाम छठ व्रती लोग पहुंचे, तो वहीं वसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत भी रजोकरी छठ घाट पर पहुंचे, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी हाँ, हजारों की तादाद में यहां पर छठ व्रती श्रद्धालु यहां पर शाम के सूरज को अर्घ देने के लिए पहुंचे। ढलते हुए सूर्य देवता को अर्घ दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत भी यहां पर पहुंचे, और यहां पर आपको बता दें रजोकरी पहाड़ी पर बीएसएस कैंप में भव्य छठ पूजा कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली सरकार के द्वारा कराया गया था, जिसमें कि तमाम नेता और तमाम गणमान्य लोग पहुंचे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो भी यहाँ पर रखे गए, और यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखिए किस तरीके से जो देवी देवताओं की अलग अलग झांकियाँ थी उसका भी जो लुप्त है वो यहाँ पर पहुँचे हुए लोग उठा रहे हैं। वहीं खुद यहाँ पर जब बसंत कुंज के पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत पहुँचे तो उनका बीएसएस कैंप के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, और उन्होंने क्या कहा आइए वो सुनवाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं निवेदन करूंगा आपसे, सुन लीजिए, अपने मन से बिल्कुल न चढ़े, ये मंच की अवहेलना है। मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, स्वागत तो करना ही है लेकिन मंच पर वही आज इनको बुलाया जाए। जोरदार तालियां। दिनेश सिंह फूलमाला स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां भाई के लिए। नरेंद्र शर्मा जी शॉल डालिए। जोरदार तालियां। आप एक प्रवीण जी आप आ जाओ, मानके सर जी आ जाओ, आप आ जाओ। पूजा झा जी आप आइए। राम जी, वीरेंद्र जी, राजा जी, उठते रहो। जो लोग पहना चुके अपने स्थान पर पहुंचा भैरव त्रिपाठी जी बड़ा लो। रंजीत जी मंच पर आइए। बेटा पीछे हो जाओ यार, क्यों तुम लोग। मनोज जी ऐसे इंसान है जो कि निगम पार्षद अभी नहीं है, फिर भी किसी काम के लिए जाने के बाद कोई मना नहीं करते हैं, चाहे कोई सा भी काम हो, जत्था समोर भाई का इतना विनम्र भाव है कि भाव देख के आदमी खुश हो जाता है। बिल्कुल भाव देख के, ऐसा भाव के भूखे हैं ये, और इनसे जादू जाता है, कभी भी किसी चीज से मना नहीं करते हैं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हमेशा तैयार रहते हैं 24 घंटा अपने बसंत कुंज कार्यकर्ता के लिए 24 घंटा तैयार रहते हैं। पद पर ना रहते हुए ऐसा काम कर जाते हैं जो कि पद वाले भी नहीं कर पाते। ये भाई के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। मैं निवेदन करूंगा कि माता के दरबार में आए हैं तो माता के लिए दो शब्द आशीर्वाद प्राप्त करेंगे ही। धन्यवाद। धन्यवाद भाई, इसी से बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, आपने सूर्यास्त के समय छठ पूजा की, उस छठ पूजा में पिछली बार तो समय पर पहुंच गए थे, इस बारी हमने अपने गांव किशनगढ़ में एक बड़ा छठ घाट बनाने का प्रयास किया, जो वहां के जो स्थानीय हमारे निवासी हैं उनका छठ घाट बंद हो गया किसी कारण से, वो पिछले डीडीए पार्क में होता था, तो अब की बार हमने एक नया छठ घाट वहाँ पर, वहाँ की जो समिति है मिलकर, मेहरोली समिति के साथ मिलकर वहाँ बनाया। उस छठ पूजा में सूर्यास्त के समय हम उस पूजा में सम्मानित क्षेत्रवासी के साथ शामिल हुए, आप ही की तरह वहाँ पर भी बड़ी संख्या में माताएं, बहनें, बच्चे, युवा साथी उस छठ पूजा में उपस्थित थे, तो सभी के साथ मिलकर हमने भी पूजा अर्चना की, वहाँ बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि शिव जी भाई हमारे बारे में बता रहे थे, तो ये कोई हमारा कोई वो नहीं है कि हम कुछ काम करते हैं तो कोई किसी को परेशान है, ये आप लोगों ने हमें चुना इसलिए था कि हम सुख दुख में आपके बीच में रहें, हर खुशी में हर गम में आपके बीच रहें। ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन आप सब में से ज़्यादातर भाई बंधु माताएं बहनें जानती होंगी, जब कोविड के समय
हम आपके बीच में होते थे जब शायद ही कोई नेता माला ले लेना आपके बीच में हो, उस समय सबको अपनी जान प्यारी लग रही थी, ये नहीं था कि गरीबों का चूल्हा कैसे जलेगा। तो मुझे लगता है बड़ी संख्या में मनोज महिलाओं को आपने यहाँ जरूर देखा होगा राशन की किट के साथ गाड़ियों में भर के, और यही साथी हमारे उस समय मदद करते थे उस शासन को बटवाने में। बहुत बड़ी संख्या में हम उस नेक काम को अंजाम दे पाए, तो अपना जीवन हमने उसकी छठी मैया इस चीज की साक्षी है कि हम इस बात को बिल्कुल कहने में कोई गुरेज नहीं करते, जब संकट का समय था तो हम आपके बीच में थे। और वो यही नेता का कर्तव्य होता है कि सुख में तो सब आ जाएंगे, दुख में संकट में अगर वो आप अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहे तो वही असली नेता है, नहीं तो फिर तो सब आते हैं किसी को बुला लो खुशी में वही आके खड़े हो जाएंगे, लेकिन जो मुसीबत में हो चाहे वो कोई भी हो असली हितैषी वही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने सभी रजोगी वासियों को, अपनी छठ पूजा समिति को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हर वर्ष इतना भव्य कार्यक्रम आयोजन करते हैं। माँ छठी मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें और आप ऐसे ही निरंतर अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए नेक कार्य करते रहें। पुनः आप सभी को, मातृ शक्ति को, हमारी समिति को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, और छठी मैया से प्रार्थना आप सभी की तरफ से कि आज का मैच भारत जरूर जीते। एक बार जोरदार नारे के साथ कि छठी मैया अपनी पूरी हमारे सब सबका साथ आशीर्वाद दे हमारी भारतीय टीम को, और हम मैच जीते आज के दिन हमारे ऊपर सबको प्रचली आशीर्वाद होगा। सुने सभी को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद, आपके साथ हमेशा रहे थे हमेशा रहेंगे, चाहे पद पे हैं चाहे ना हैं, कभी भी कोई भी संकट हो कोई परेशानी हो आपका भाई ज़्यादा दूर नहीं रहता, बस थोड़ी दूर है, एक आवाज़ लगाओगे तो आपके बीच में रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।